गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फाइनल सिलेक्शन। और आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत और किस देश के बीच में शुरू हुई है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुई है और इस ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की थी। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इंडिया के वेस्ट बंगाल की एक सिटी है जलपाईगुड़ी के बीच में चला करेगी। और इससे जो चलाने का फैसला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान लिया गया था। ये ट्रेन 524 किलोमीटर के डिस्टेंस को 11 घंटे 20 मिनट में तय किया करेगी और ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका कंटोनमेंट तक चला करेगी। तो ये दो इन स्टेशन के बीच में चला करेगी और इसके साथ ही ये हल्दीबारी, चिलहती और पर्वतीपुरम इन 3 स्टेशन पर भी रुका करेगी। इस ट्रेन को बांग्लादेश की गोल्डन जुबली या बांग्लादेश के आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में और शेख मुजीबुर रहमान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाया गया है। इस ट्रेन के लिए रेलवे ऑफिशियल्स या रेलवे द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना को 4 नाम सजेस्ट किए गए थे या 4 नाम दिए गए थे जो कि इस प्रकार थे, मिताली, संप्रीति, सुहृद और बंधु। लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस ट्रेन के लिए मिताली नाम को चुना क्योंकि मिताली एक्सप्रेस मैत्री एक्सप्रेस से काफ़ी मिलता जुलता नाम था और मैत्री एक्सप्रेस है जो वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई पहली ट्रेन थी। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।